रायबरेली में भूमिया की दबंगई के खिलाफ लगभग आधा दर्जन पीड़ितों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराने और भूमाफिया के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना पत्र दिया। सदर तहसील के जहानपुर कोडस मुंशीगंज में माधुरी सिंह सहित अन्य आधा दर्जन लोगों ने पैसा देकर मकान बनवाने के लिए जमीन खरीद रखी थी और उसे चिन्हांकित भी कर दिया था, लेकिन शहीद स्मारक मुंशीगंज निवासी भूमाफिया देवेंद्र सिंह ने इन सब की जमीन पर दबंगई दिखाते हुए अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जब ये लोग अपनी जमीन पर निर्माण करने पहुंचते, तब तक अपने गुर्गों के साथ इन लोगों को डरा धमका कर भगा देता था। माधुरी सिंह ने आरोप लगाया कि देवेंद्र सिंह जमीन कब्जा करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी देता आ रहा है। सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप में उसके खिलाफ तहसील प्रशासन द्वारा लिखा पढ़ी भी की गई और उस जमीन को कब्जा मुक्त भी कराया गया है। चूंकि ये जमीन भूमि धरी है, इसलिए इस पर वह फ्रॉड करके कब्जा कर रखा है। मेरा नाम प्रमोद सिंह है। मैंने ज़मीन खरीदी थी शहीद स्मारक में। देवेंद्र सिंह जो है वहाँ पे भू माफिया कब्जा कर रखा है। हमारा 8 साल से बैनामा था वहाँ पे। हम लोग फाउंडेशन करवाया था, 7-8 प्लाट थे हमारे लोगों के, सब लोगों ने मिलके करवाया था। तोड़वा के उन्होंने फिर से अपना कब्जा कर लिया है और हम लोग को जब वहाँ पर जाते हैं तो धमकाते डराते हैं कि हम आपको यहाँ कब्जा नहीं देंगे। मेरा बिल्डर को बोलते हैं, बिल्डर जिससे हमने ख़रीदा वो उन्होंने बोला है कि वो 50-60 लाख रुपए मेरे ले रखा है, वो हमें देंगे तब हम आपको यह कब्जा करने देंगे, अन्यथा नहीं कब्जा करने देंगे। आप कहीं भी जाइए, किसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, हम कुछ कहीं भी जाइए, हम नहीं दे पाएंगे ज़मीन आपको। हम लोग जाते हैं वहाँ से डरा के धमका के खेत देते हैं। वहाँ पर हमारा फाउंडेशन था, वो भी तोड़वा के उन्होंने फिर से अपना कब्जा कर लिया है। कहाँ पर आए हैं आप लोग? अभी हम आए हैं पुलिस अधीक्षक के पास, आए हैं, अप्लीकेशन दिया हुआ है, डीएम साहब को भी दिया हुआ है। कार्रवाई ना हुई तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे सर। हम महिला तो, हैं, इतना मेहनत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।